हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूँ। दोस्तों, हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के संदर्भ में तमाम टॉपिक को जो लिया गया है दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाँचवीं क्लास चल रही है दोस्तों। आज क्लास नंबर 5 में हम हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। देखिए दोस्तों, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आपका नव आदर्शवादी जो सिद्धांत है बताया है। क्या क्या पॉइंट उन्होंने रखा है? तो फर्स्ट में है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये नौ बुद्धि के प्रकार कहना चाहिए दोस्तों रखा है। देखिए, जब भी एग्जाम में, चाहे वो व्यापम हो या अन्य टेट की परीक्षाएं हो, जब भी व्यापम में आता है दोस्तों, तो एक उदाहरण के रूप में रख देता है कि मान लो एक व्यक्ति जिसकी रुचि संगीत के क्षेत्र में अधिक है ना, तो वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा? तो आप तुरंत उसको बता सकते हैं दोस्तों कि संगीतात्मक बुद्धि उसमें ज्यादा है ना। बच्चों की जो रुचि है, जिस क्षेत्र में हमें परिलक्षित होती है, उनका जो इंटरेस्ट है जिस क्षेत्र में दिखाई देता है, बच्चे की रुचि उसी क्षेत्र में होती है। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका शाब्दिक भाषाई बुद्धि। तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है ना। जिस व्यक्ति में इनका विकास अधिक हो, वे वकील, कवि, पत्रकार बनते हैं। तो शाब्दिक भाषाई, जिसमें भाषाई पकड़ जिस बच्चे में अधिक है, शब्दों की पकड़ जिसमें अधिक है, वे वकील बनेंगे, कवि बनेंगे या कोई पत्रकार बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि की हम बात करें तो इसमें तार्किक योग्यता, गणितीय योग्यता, क्षमता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इन विकास इनका होता है, वह अकाउंटेंट, बैंकर, वैज्ञानिक आदि बनते हैं। तो जिसमें तर्क शक्ति ज़्यादा होती है, गणितीय कार्य करने की जो क्षमता है ज़्यादा होती है, वो बैंकर बनते हैं, अकाउंटेंट, वैज्ञानिक जैसे पद पर जाते हैं दोस्तों, उनकी इंटरेस्ट होती है। स्थानिक बुद्धि, तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना ही स्थानिक बुद्धि है। स्थानिक अर्थात अमूर्त। अमूर्त वह है दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देती। तो अमूर्त तथ्य के आधार पर एक छवि का निर्माण करना, एक मानसिक छवि बनाना स्थानिक बुद्धि है। तो जिन व्यक्ति में इनका विकास होता है, वे मूर्तिकार, चित्रकार या आर्किटेक्टर बनते हैं। अर्थात जो चीजें हमारे सामने नहीं है, उसको पेंट कर देना, उसको दिमाग में छाप देना। एक आर्किटेक्टर है, आप उसको बोलोगे ऐसा नक्शा चाहिए आपके घर डिजाइन का, वो बना देता है दोस्तों। उसके पास वो चीज होता नहीं है, लेकिन वो माइंड सेटअप के माध्यम से उस काम को कर देता है। एक पेंटर का काम भी ऐसा ही होता है। तो ये स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करें तो यह शरीर को गति देने वाली बुद्धि है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है, वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, अर्थात जो उथल कूद वाला जो काम है, उसमें दक्षता ज्यादा रहती है शारीरिक गतिक बुद्धि वाले बालकों में। अगर दोस्तों आपको संगीतात्मक बुद्धि, तो संगीतात्मक बुद्धि में यह संगीत में रुचि वाली होती है। अर्थात जिन बच्चों की रुचि संगीत में ज्यादा दिखाई दे, तो हम समझ जाते हैं दोस्तों कि यह आगे चल के सिंगर बनेगा या इंटरटेनर बनेगा, लोगों को इंटरटेन करेगा, है ना। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, अर्थात बातचीत कैसे किया जाए, बातचीत करने का तरीका क्या हो, ये चीजें होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। ऐसे जो बच्चे हैं दोस्तों, या तो नेता बनेंगे या सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी कार्य में रुचि रखते हैं। अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक को याद रखें दोस्तों, दोनों लगभग सेम है। तो अंतःव्यक्तिक क्या होता है? इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट, बातचीत किया जाता है। अंतः, देखिए नाम से स्पष्ट, अंतः माने स्वयं, है ना, स्वयं के हृदय या स्वयं के अंदर या खुद के बारे में जब बातचीत करते हैं, तो वह अंतर्व्यक्तिक के अंतर्गत आता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है, वे आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु अर्थात जो उनकी क्षेत्र है, अध्यात्म के क्षेत्र में उनकी रुचि ज़्यादा होती है, वह स्वयं को खोजने की कोशिश करता है, अपने अंतर्मन के बारे में जानने की कोशिश करता है।
आठवां दोस्तों इसमें प्रगतिवादी बुद्धि क्या है, तो इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक हो वे किसान आदि बनते हैं, अर्थात उनको प्रकृति के नजदीक जाने में काम करने में रुचि होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो है किसान बनते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, तो इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, भगवान है तो क्यों आए हैं, मतलब उनको हमेशा अस्तित्व के बारे में सोचते रहना चाहिए। ऐसा उनका ये होता है कि वो हमेशा अस्तित्व के बारे में सोचते रहता कि आखिर ये चीज़ यहाँ है तो यहाँ है क्यों, उसके वहाँ होने के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। तो ऐसे जो बालक होते हैं दोस्तों वो साधु संत बनते हैं, फिलोसॉफर बनते हैं। तो ये तरह दोस्तों हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत, जो कि 9 पॉइंट उन्होंने हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के संदर्भ में रखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें से एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। बीच के पॉइंट में से कोई भी उदाहरण बना के आपको पूछ देते हैं और उसका आपको आंसर देना होता है।